हेलो दोस्तों, यह सेकंड सेमेस्टर सीट मेटर से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ये क्वेश्चंस प्लस आंसर से संबंधित हैं और ये बहुविकल्पी या मल्टी टाइप्स क्वेश्चंस है आईटीआई के, या आप आईटीआई या किसी भी ट्रेड का मान लीजिए, ये पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, धातु को सीट के बदलने के गुण को क्या कहते हैं? आंसर है, आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, मैलियबिलिटी। आंसर है मैलियबिलिटी। सेकंड क्वेश्चन है, धातु शोधन मेटलर्जी प्रतिक्रिया द्वारा धातु को निकाला जाता है। आंसर है, ओर या अयस्क में से निकाला जाता है। तीसरा है, सीमेंटेड कार्बाइड का प्रयोग के लिए नहीं किया जाता है, अल एलॉय। चौथा है, फास्फोरस ब्राउन में इनमें से कोई नहीं। आंसर है, इसमें से कोई नहीं। पांचवा क्वेश्चन है, गन मेटल किन धातुओं का अलॉय है? तो आंसर है, कॉपर, टीन तथा जिंक। छठवां क्वेश्चन है, बेल मेटल किसका एलॉय है? तो आंसर है, तांबा तथा टीन। सातवां क्वेश्चन है, बेबिट मेटल आधारित एलॉय है? आंसर है इसका ए और सी, यानी कॉपर लेड को अलॉय है, ए और सी। इसे देख सकते हैं, ए ए और सी, यानी कॉपर और लेड। आठवां है, ड्यूरेलियम अलॉय है? आंसर है, एल्युमिनियम। नवा क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर सिल्वर को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर है, सिक्के। दसवां है, बॉक्साइट अयस्क से धातु बनाई जाती है? आंसर है, एल्युमिनियम। ग्यारहवां क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर का एलॉय है? आंसर है, SnPb एंड Cu, यानी सिल्वर लेड कॉपर। 12वां क्वेश्चन है, लोहे को गैल्वेनाइज करने के लिए जिंक का प्रयोग करते हैं? आंसर है, जिंक। 13वां क्वेश्चन है, धातु का यांत्रिक गुण? आंसर है, टफनेस तथा ब्रिटलनेस। इसे देख सकते हैं, टफनेस तथा ब्रिटलनेस। 14वां क्वेश्चन है, फास्फोरस ब्रोंज में होता है 20% फास्फोरस। 15वां क्वेश्चन है, बॉक्साइट से बनाया जाता है एल्युमिनियम। 16वां क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर है, जस्ता। 17वां क्वेश्चन है, गन मेटल धातुओं का अलॉय है? आंसर है, तांबे, टीन, जिंक। आंसर आप देख सकते हैं, तांबे, टीन और जिंक। 18वां क्वेश्चन है, सीसे लीड का मुख्य खनिज है? आंसर है, गलीना। आंसर है, गलीना। 19वां क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का मुख्य खनिज है? बैक्सीट। 20वां क्वेश्चन है, टीन को खनिज से बनाया जाता है? आंसर है, कैसीट राइट। आंसर है, देख लीजिए, कैसीट राइट।
इक्कीसवां क्वेश्चन है, फास्फोरस ब्रोंज का एलॉय है जिंक, आंसर है जिंक। 22वां क्वेश्चन है, कास्ट आयरन भट्टी को सॉरी भट्टी में तैयार किया जाता है कुपोला। 23वां क्वेश्चन है, में पिक आयरन तैयार किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में के तैयार किया जाता है पिक आयरन। 24वां क्वेश्चन है, हाई कार्बन स्टील में परसेंटेज कार्बन होती है, तो आंसर है 0.7 से 1.5%। 25वां क्वेश्चन है, मशीन ब्लेड बेड की ढलाई के लिए सबसे उच्चम धातु है कास्ट आयरन। 26वां है, स्प्रिंग स्टील धातुओं का एलॉय है कोबाल्ट। 27वां क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक बनाने वाले हाई कार्बन स्टील में परसेंटेज कोबाल्ट स्टील मिलाया जाता है, आंसर है 30%। 28वां है, कास्ट आयरन में कार्बन होती है 2 से 4% कार्बन होती है। 29वां है, रॉट आयरन में परसेंटेज होता है 99.98% होता है। 30वां क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का पिघलाव बिंदु सेल्सियस होता है 648 डिग्री सेल्सियस होता है। 31वां क्वेश्चन है, जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं ग्लाविजिंग, आंसर है ग्लाविजिंग। 32वां क्वेश्चन है, शीशे लीड पर प्रभाव नहीं होता, तेजाब का प्रभाव नहीं होता है। 33वां क्वेश्चन है, जिस धातु में अधिकतम लोहा हो उसे धातु कहते हैं, आंसर है आयरन। 34वां क्वेश्चन है, लोहा हमें से प्राप्त होता है आयरन ओर से प्राप्त होता है। 35वां क्वेश्चन है, पिग आयरन बनाने के लिए क्रोक फ्लक्स तथा की आवश्यकता होती है, आंसर है आयरन ओर। 36वां क्वेश्चन है, आमतौर पर प्रयोग में लाए जाने वाली लौह धातुएं एवं अलॉय के नाम तथा आंसर है पिग आयरन। 37, पिग आयरन पुडलिंग फर्नेस में रिफाइन करने के पश्चात प्राप्त होता है, आंसर है पिग आयरन। 38वां है, रॉट आयरन के गुणों के कारण वह चैन लिंकस बनाने के काम है, आंसर है इनमें से कोई नहीं। 39वां क्वेश्चन है, समुद्री जहाजों में रॉट आयरन इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि से इस जंग नहीं लगता अच्छी पानी अच्छा पानी। 40वां क्वेश्चन, रॉट आयरन के स्थायी चुंबक इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैग्नीशियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। 41वां, प्लेन कार्बन स्टील आयरन तथा अलॉय है कार्बन का, आंसर है कार्बन का। 42वां क्वेश्चन है, मीडियम कार्बन स्टील में से तक कार्बन होता है 0.3 से 0.7% कार्बन होता है। 43वां क्वेश्चन है, प्लेन कार्बन स्टील में कार्बन परसेंटेज तक संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, आंसर है 1.5% के तक संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें,
और जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह और भी वीडियो बनाता रहूँगा। प्लीज़ कमेंट करना ना भूले, प्लीज़ कमेंट मिलता है तो हमें अच्छा लगता है। और किस वीडियो पर कौन सा वीडियो किस टॉपिक पर बनाए वो अभी हमें कमेंट करें, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा।